तो गाइस अभी मेरे टाइम आ चुका है गाइस एक अलग ही वीडियो बनाने का। और मैंने गाइस गेम छोड़ दिया जिसको तुम्हें पता है। उसके साथ मैं और चीजें बताना चाहता हूँ कि प्लीज डोंट माइंड कि यार अभी ना जब मैं कोई गेम्स की वीडियोस बनाता हूँ तो कोई कमेंट नहीं करता, कोई व्यूज नहीं आते मेरे को। वैसे आजकल का जो ये आया है, अब मेरे व्यूज ज्यादा बढ़ रहे हैं ना, बल्कि सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे मेरे। एक बढ़ा है उसके बाद बढ़ ही नहीं रहा। तो आई एम श्योर गाइस कि कोई बंदा सब्सक्राइब करने के लिए तैयार नहीं है मेरे चैनल को। तो इसलिए आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव कि मैं ऐसी से वीडियोस लाऊंगा ताकि आप थोड़े एंटरटेन हो सके। बिकॉज इस टाइम में हम हैं लॉकडाउन के अंदर, और आई मीन लॉकडाउन तो नहीं है लेकिन घर में ज्यादा रहना सेफ है तुम्हारे लिए, बाहर जाना सेफ नहीं है। इसी कारण के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा, शायद दिन में दो दो तीन तीन वीडियोस। लेकिन अगर मैं कोई अलग तरीके की वीडियोस बनाऊंगा, शायद कोई साइड या फिर गेमिंग के, तो डोंट माइंड यार, बिकॉज मैं हर टाइम एक ही वीडियो नहीं बना सकता। बिकॉज कुछ बंदा चेंज होता रहता है। लाइक मैंने गेमिंग शुरू किया तो पहले अपना कंटेंट मैंने सोचा गेमिंग करूंगा पूरा, लेकिन सडनली हुआ कि मैं बता दूं, मैंने ये चैनल क्रिएट किया था सिर्फ माइनक्राफ्ट के लिए। मैंने किसी और चीज के लिए क्रिएट नहीं किया था। मैंने इसके अलावा एक और चैनल क्रिएट किया, सूर्या गेमिंग, ये वाला दूसरा वाला चैनल। और उस चैनल में मैंने सोचा था अलग अलग गेम्स का वीडियो बनाऊंगा, इस चैनल में सिर्फ माइनक्राफ्ट। लेकिन अलग से हुआ क्या कि मेरा जो माइनक्राफ्ट है वो क्रैश हो गया। लाइक आई डोंट नो व्हाई क्रैश हुआ, लेकिन जब भी मैं कोई या ये होता है ना शेडर्स और टेक्सचर पैक्स या फिर कोई भी वर्ल्ड डाउनलोड करता हूँ अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में, तो जैसे ही मैं माइनक्राफ्ट को ओपन करता हूँ ऑटोमेटिकली वो क्रैश होते जा रहा है। आई मीन एक बार ही वो ओपन करने के लिए अलाउ करता है, उसके बाद क्रैश होते जा रहा है, और मुझे उन्होंने जो अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करना पड़ रहा है, उसके बाद फिर से वैसे ही हो रहा था। उसे मैंने सोचता है अनइंस्टॉल करके फिर से करूँगा। तो मैंने जब ट्राई करा था वैसे ही कि क्या 7quit इसमें काम करती है, नहीं 7quit काम नहीं करती। जब तुम अनइंस्टॉल कर लेते हो, जो पहली बार जब तुमने 7quit करी होती है वही सेव हो जाती है गेम में, जिस कारण अगर तुम बाद में कोई 7quit करते हो ना और फिर अनइंस्टॉल कर लेते हो फिर से वही दिखाता है। तो माइनक्राफ्ट आई एम प्लीज माइनक्राफ्ट को ठीक कर लो, बिकॉज ये बहुत बड़ी बग हो गई है और इससे ऑलरेडी बहुत सारे लोग परेशान हो रहे होंगे। एग्जाम्पल मी, देखो यार मैं माइनक्राफ्ट ही नहीं खेल पा रहा हूँ, मैंने माइनक्राफ्ट खेलना ही छोड़ दिया है, इसका मेन रीजन है। तो मैंने सोचा यार छोड़ो, कौन करेगा वीडियो गेमिंग के माइनक्राफ्ट के। सिंपली मैंने सोचा अब मैं बनाऊंगा व्लॉग्स, ये चैनल मैं पूरी तरह व्लॉग्स के लिए, रोस्टिंग के लिए और वगैरह वगैरह बना लूंगा। और गेमिंग से मैंने सोचा था गेमिंग से मेरे चैनल में एक बहुत बड़ा बूम आएगा, लेकिन 1,00,000 व्यूज, इतने सारे व्यूज आएंगे, लेकिन नहीं, व्यूज बहुत कम आए। और आई वॉज वेरी टेंशन कि यार क्यों व्यूज इतने कम आ रहे हैं। उसके बाद मेरे को पता चला गेमिंग का जो करियर चल रहा है वो हज़ार से मिलियन से भी ज़्यादा लोग कर रहे हैं, और उसकी वजह से मेरी वीडियोज़ को कोई नहीं देख पा रहा है, कोई नहीं देख रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, जिसके कारण आजकल मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ गेमिंग के। अगर आपको गेमिंग बहुत पसंद है और गेमिंग में नहीं छोड़ना चाहता है तो बोल रहा हूँ, तो यार किसने बोला मैंने छोड़ दिया गेमिंग, यार मुझे पसंद है गेम्स खेलना, ठीक है। आई एम ए गेमर, आई लाइक प्ले गेम्स, मेरा फैशन है गेम्स खेलना, आई विल कंटिन्यू इट फॉर एवर। बट अगर बीच में कभी कोई ऐसा आएगा राइट गलत ही बोल रहा है तो बीच में कभी भी रुकावट आ सकती है गेमिंग की, लेकिन मैं सोच रहा हूँ गेमिंग कभी नहीं छोड़ने वाला। मैं माइनक्राफ्ट खेलना छोड़ चुका हूँ, जैसे कि तुम्हें पता ही है, अनइंस्टॉल कर लिया मैंने उस गेम को। लेकिन यार रिव्यू मैंने रिव्यू सेक्शन में जाके डिस्क्लेमर किया था कि कैन यू हेल्प अस, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं भेज रहा उसके लिए, यस या फिर नो। तो मुझे ऐसा लगता है यार कि गेमिंग बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि
अदर मैं अपना कंटेंट यूज करने चाह रहा हूँ बिकॉज मुझे गेमिंग वीडियोस बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लिटरली आना चाहता हूँ। जब तुम गेमिंग कर रहे हो और उसके साथ कमेंट्री कर रहे हो राइट, बहुत ही ज्यादा अजीब फीलिंग आती है और बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगता है मेरे को। आई डोंट नो व्हाई लगता है, लेकिन लगता है। और एडिटिंग करने में तो भाई एक एक घंटा लग जाता है मेरे को एडिट करने में। नॉर्मल वीडियोस एडिट करने में ज्यादा कुछ घंटे नहीं लगते, घंटे ही नहीं लगते यार, सिर्फ 30 मिनट्स या फिर कुछ 3-4 मिनट्स में हो जाते हैं। और ना सही में बहुत ज्यादा आलसी बंदा हूँ, ठीक है, मुझसे ज्यादा एडिटिंग होना नहीं हो चाहता, ठीक है। मुझे एक एक घंटा तक एडिटिंग होना चाहता था, ठीक है। अब मैं वीडियोस कब बनाता था मैं बता दूँ, मैं जब मेरे मम्मी पापा जाके सो जाते थे ना, मैं सिंपली फोन लेके इधर रूम में आके बंद कर लेता हूँ डोर और बनाता हूँ एक वीडियो, वीडियो बनाता हूँ उसके साथ एडिटिंग, उसके बाद मैं उसका एडिट होने के बाद मैं उसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट करने के टाइम ना एक खुशी आ जाती है मेरे को, फाइनली ये वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। और उसके बाद मैं जब उसको डाल लेता हूँ यूट्यूब में अपलोड होने के लिए डाल लेता हूँ, उसके बाद मैं अपना थंबनेल बनाने चले जाता हूँ। तो मैं पहले पिक्सआर्ट यूज करता था, उसके बाद पिक्सल लैब, फेस को आई मीन कटआउट करने के लिए मैं पिक्सआर्ट का यूज़ करता हूँ। और जो ये होता है जिससे हाँ बाकी की जो एडिटिंग होती है उसको मैं पिक्सल लैब में करता हूँ। उसके बाद मैं उस थंबनेल को यूट्यूब स्टूडियो से जाके मैं डाल लेता हूँ, भले ज़्यादा कुछ काम ही नहीं करता मैं। और फिर टैग डाल लेता हूँ नीचे यूट्यूब स्टूडियो में, टैग डाल के सब कुछ एडिटिंग खत्म होने के बाद मैं सीधा चले जाता हूँ। उसके बाद मैं जाके पूरा रेस्ट ले लेता हूँ, कोई गेम नहीं खेलता, कुछ नहीं करता। तो एक्चुअली आना चाहता हूँ तो मुझे गेमिंग कमेंट्री वीडियोज बनाना इसलिए नहीं पसंद, लिटरली आना चाहता हूँ। थंबनेल बनाते टाइम भी बहुत मुश्किल होता था यार मेरे लिए। मैं एक्चुअली आना चाहता हूँ, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, लाइक मैं इस पूरे एक साल में बहुत सारे वीडियोज बना चुका हूँ। एक साल पहले मैंने यूट्यूब शुरू किया, मैंने जनवरी से ही यूट्यूब के वीडियोज बनाना शुरू कर दिया था, उधर से ही बनाते आ रहा हूँ। और बहुत सारे वीडियोस हैं जिनको मैंने ये कर दिया कि आप प्राइवेट कर दिया, जो कि तुम नहीं देख पाओगे बिकॉज उन गेमिंग के स्पेशली मैंने सारे गेम के माइनक्राफ्ट गेमिंग के वीडियो सारे कर दिए प्राइवेट, बिकॉज मैं बाद में कभी भी उनको वीडियोस को नहीं बनाने वाला, इसलिए मैंने प्राइवेट कर दिया, ठीक है। बल्कि ज़्यादा कुछ काम नहीं करा मैंने, और मैंने जो पुराने जो मैंने वीडियोज बनाए थे ना उन सारे वीडियोज को मैंने कर दिया था, क्या होगा अनइंस्टॉल यार मैं भी ना क्या बोल रहा हूँ, मैं भूल गया एक मिनट यार, ओके सॉरी डिलीट। मुझे ना ज्यादा कुछ काम करना ना पसंद नहीं है लिटरली, मैं आराम से सोना मेरे पसंद नहीं है। पढ़ाई वगैरह तो मैं हर टाइम जब मेरे वीडियोस खत्म हो जाते हैं सारे काम हो जाता है तब मैं जाके पढ़ाई वगैरह कर लेता हूँ, बल्कि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता मेरे को वीडियोस बनाने का कभी कभार। तो और ये टेप से क्यों खेल रहा हूँ मुझे कोई आइडिया नहीं है, दरक दे दो। तो गाइस एक्चुअली लेकिन सपोर्ट के बारे में बताओ तो यार, तुमने बहुत खतरनाक वाला सपोर्ट दिया है मेरे को, व्यूज के व्यूज हर दिन मेरे को 10 व्यूज आते हैं टोटल व्यूज में, 10 व्यूज, और इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट बिकॉज हमने 100 व्यूज को क्रॉस कर लिया फाइनली। एंड थैंक यू गाइस बिकॉज मैंने नहीं सोचा था कि मैं 100 व्यूज को क्रॉस कर लूंगी इतनी जल्दी, इट्स अ वेरी बिग मिरेकल। अब मेरे दूसरे चैनल में जाके देखो यार, उस चैनल में भी 100 व्यूज क्रॉस करवा दो, और हम जल्दी ही जाने के बाद 1000 व्यूज को क्रॉस करना है, ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर्स रेशियो में नहीं बोल रहा हूँ व्यूज के रेशियो में। तो ओके गाइस, तो बल्कि मैं क्या बोलूँ कुछ नहीं बोल सकता यार, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव। मैं आपको ऐसे कंटेंट दिखाना चाहता हूँ जो कि कोई और यूट्यूबर ही नहीं करना चाहता है, जो यूट्यूब और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कर नहीं रहे हैं, उन सारे कंटेंट्स को मैं उठा के ला के तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। और मैं गेमिंग ऑफकोर्स बहुत लोग कर रहे हैं, मुझे पता चला इसके बाद मैंने गेमिंग मैंने छोड़ ही दिया गेम को। और जो कल की वीडियो थी उस वीडियो में आई थिंक कोई व्यूज़ नहीं है, मैंने चेक नहीं किया, अभी चेक करूँगा वीडियो खत्म होने के बाद। उसके बाद एडिटिंग के टाइम मैं उसको इधर कहीं प्लेस कर दूँगा इधर ऊपर, अगर आपको देखना है तो देखो यार। और क्या बताऊँ, और एक और बताना चाहता हूँ कि एडिटिंग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ और आपको क्या हेल्प कर सकता है शायद ये,
तो मैं यूज करता हूँ काइन मास्टर एडिटिंग के लिए, पूरा एडिटिंग सब कुछ काइन मास्टर से होता है मेरा, ऑडियो और जो और भी बहुत सारे काम है जैसे कि फिल्टर्स लगाना, ट्रिम्स, स्प्लिट और बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज, जूम इन जूम आउट वाला इफेक्ट और एनिमेशंस, उन सारे चीजों में मैं करता हूँ काइन मास्टर में। मुश्किल होता है थोड़ा सा लेकिन एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। मैंने पूरे एक महीने एक वीडियो भी नहीं बनाया था, लिटरली सॉरी गाइस, मैंने एक महीने से एक वीडियो ही नहीं बनाया। लेकिन यार मैंने क्यों नहीं बनाया था, क्योंकि मेरे पापा हैदराबाद चले गए थे, ठीक है, तो मेरे पापा जब हैदराबाद गए थे तो मैं वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ओके तो दैट्स गॉट ऑफ दिस वीडियो। और मेरे ड्रेस ना प्लीज डोंट माइंड माय बटन लगाना, पूरी वीडियो में भूल गया। तो ये दैट्स गॉट फॉर दिस वीडियो, होप यू एंजॉयड, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। पहले लाइक दबा दो, सब्सक्राइब तो तुम कर ही लोगे, पसंद है तो सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो नहीं कर दो, बेल आइकन घंटी तो तुम दबा ही दो शायद, कर लो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। अब मैं बेल आइकन क्यों बोल रहा हूँ देख लो, तो आप अगर बेल आइकन घंटी दबाओगे ना, ऑल वाले ऑल में प्रेस करना मत भूलिएगा पहले, तो आप मेरे लेटेस्ट वीडियोस को कभी नहीं भूलोगे देखना। तो इसीलिए बाय बाय बाय।